समझ में आ गई क्या बात बराबर। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकली नहीं क्या फ्री हो जाते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कुछ नहीं है। बस साइकोलॉजिकली फ्रीडम कर देना, यही एक बहुत बड़ा काम है। साइकोलॉजिकली फ्री हो गया तो सारा दुख खत्म हो गया, बराबर है कि नहीं। तो इंसान नहीं क्या, नहीं तो वो एक ही रोना लेके बैठे रहेगा फिर, समझ में आ गया क्या, पैरालिसिस की तरह वो बैठे रहेगा फिर वो, यानी कि फिर वो भागेगा कब, जब एकदम ही जान पे आ जाएंगे ना तभी भागेगा वो। जैसे बराबर अदरवाइज ये जो नाटक है ना, ये पूरा एक चौक पे कोई पागल इंसान मिलता है तो उसको नहीं क्या और स्कोप मिलता है बराबर और वो पागल होते रहता है। ये जो सॉल्यूशन है ना, जो हम देने जा रहे हैं, वो सॉल्यूशन देना ही नहीं पड़ता लोगों को, समझ गया ना। पूरा सॉल्यूशन एकदम अलग है। तो जो पहले के जो लोग रहते थे ना, वो एकदम हार्ड एंड फास्ट ट्रीटमेंट करते थे, वो हाँ, एकदम एकदम पक्के रहते हैं, कुछ भी एकदम सही हो जाता था अगला आदमी। अरे बच्चे को हो नहीं क्या, ज्यादा के पैसे देना ये उसके बिगाड़ने के काम है, सिंपल होगी बात, जाते है कि नहीं। तो उसी तरीके से वो ट्रीटमेंट रहता था उनका, माँ बाप नहीं क्या पैसा छोड़ के ही नहीं जाते थे बच्चे के लिए, वो बराबर बच्चा खुद ही करता था, उतना कमाता था, उसके अंदर उतना स्किल डेवलप होता था। फिर बराबर जब पैसा ही छोड़ दिया है, जिंदगी भर जब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चा काहे के लिए इंग्लिश सीखेगा जाके कहीं पर, है बराबर सही कि बात नहीं। उसको अपना एक खर्रा मंगाया और खात के आराम से बैठे रहो, बराबर और 100 रुपए निकाले डेली के, 20-20 रुपए के दो दोस्त, चार दोस्त आई आई जाते हैं, लाइफ सही कट बात जाता है ऐसी। बराबर लेकिन है। हाँ यार, मतलब पहले के जमाने के लोग इतना कम पैसा सब रह के तो मस्त जी हाँ, वो करते ही नहीं थे, वो एंटरटेन ही नहीं करते थे ऐसा। वो रहे। एक्चुअल लाइफ को जो जीने के तरीके है ना, उसके लिए अगर देखो, एक एक पिता का काम है कि अपने बच्चों को नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग देना, वो छोड़ के आपने नहीं क्या खाना बना के दे रहे हो आप बच्चे को, हो गया माँ हो गया आप, आया क्या समझ में। तो जो काम जो करने चाहिए ना, वो काम अपना करना चाहिए, माँ ने अपना काम करना चाहिए, उसके पास ममता रहती है बहुत, तो बराबर वो खाना पीना देकर बच्चा हेल्दी बना सके, 20 साल तक उसको खाना अच्छे से खिलाया जाए, ताकि वो जीवन में अपने अच्छे से चल पाए, अच्छी बॉडी लेके, है ना। माँ का बराबर काम पूरा हो गया, अब डैडी का काम है, वो अंडरस्टैंडिंग देते उसको जीवन जीने की, बस दोनों काम हो गए, दैट्स ऑल। इतनी जरूरत है माँ बाप की। और ये काम अगर नहीं किए तो फिर वो बच्चा बोलता, तुमने गाड़ी दिया, बंगला दिया, लेकिन बच्चा बोलता क्या दिया मेरे को, ये सब चीजें नहीं चाहिए था। हर बराबर बच्चे यही बोलते हैं, बच्चों को भलता कुछ चाहिए फिर, जो माँ है बाप नहीं दे सकते। बराबर तो इस नौबत पे लाने के लिए माँ बाप ही दोषी है ना बच्चों को। यानी समय के पहले ही जो चीजों की जरूरत थी, वो चीज बच्चों को नॉलेज दे देना, समझ दे देना, ये माँ बाप का काम था। वो छोड़ के माँ बाप ने उसको गाड़ी दिया, बाइक दिया, चॉकलेट दिया, सब दिया, उसको समझ ही नहीं दिया, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और समझ यानी क्या मालूम है क्या, जैसा है वैसा देख पाना, बस इतना ही है। ये डिफिकल्ट काम है करना, बराबर समझ में आया क्या, जैसा है वैसा बस। कोई चेंज कर सकते क्या आप, जैसा है वैसा, दैट्स ऑल। तो ये इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती इंसान को, मुझे कुछ भी अपने हाथ में रहते नहीं ना। आपके हाथ में है ही नहीं ना, ये सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस है। बराबर अगर मैंने बात किया, सिग्नल अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो मैं क्या बात करूंगा आपसे, ये बताओ। तो बराबर सही बात है। सिग्नल मिल रहा है इसलिए धन्यवाद है सिग्नल का, जियो का धन्यवाद है बाबा, उसने अनलिमिटेड दिया जिसकी वजह से बात हो पा रही है। बराबर तो आपका जिंदगी में हर मोमेंट पे आपका धन्यवाद होना चाहिए ना। तो हम वो मनाते नहीं है, वही सेलिब्रेशन है, उतना ही करो और खुश रहो जिंदगी में यार, है ना। बराबर हो पाई इतनी बात, इतना बहुत हो गया ना। तो इसी तरीके से सब कोऑर्डिनेशन है, वो हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, दैट्स ऑल। इसमें कोई भी चीज का अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बराबर हुआ उसका भी धन्यवाद,
और हो गया तो भी धन्यवाद, धन्यवाद कांस्टेंट है। बराबर तो ये कृतज्ञता जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। तो ये चीजों जो दुख है ना, ये इसको कम कर देता है एकदम। जो भी चीजें उनके वजह से पॉजिटिव रही ना, वो चीजें याद करो ना और धन्यवाद दो, है कि नहीं? तो वो दुख कम हो जाएगा ना। अगर आप निगेटिव चीजों को सोचेंगे ना कि ये प्रॉब्लम बचे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम से याद आएंगी और वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे फिर, समझ रहे बराबर। क्या? तो आपको अभी लाइफ में, आने वाले लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए क्या सॉल्यूशन चाहिए? तो अगर प्रॉब्लम चाहिए तो बिंदास याद करो, और चार लोगों को लेकर याद करो, मेरा कहने का मतलब, जल्दी मिल जाएगा वो प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो पहले अकेले अपने आप को मजबूत बनाओ। 10 लोग, अरे यार, एक सही आदमी की सख्त जरूरत है, लोग मदद करने के लिए पूरे तैयार है। बराबर एक सही आदमी नहीं मिलता यहाँ पर, मालूम है क्या? बराबर एक सही आदमी अगर मिल जाए ना, तो अभी मोदी की सख्त जरूरत है, देखे नहीं क्या? उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ में बराबर आने के लिए, या यवतमाल में आने के लिए, या नागपुर में आने के लिए। उसको सीधा अमेरिका बुला रहा, चाइना बुला रहा, रशिया बुला रहा। अब बोलो, बराबर क्योंकि उसका काम ही इतना सही आदमी है कि उसकी इतनी जरूरत है जैसा। तो बराबर इस हिसाब से अपने आप को बना लेना है बस, है कि नहीं? तो अपने अंदर ही पहले सेटअप बनाने का, फिर एग्जीक्यूट करने का। जैसा अपने अंदर का सेटअप, वैसा ही बाहर का सेटअप बन जाता है ऑटोमेटिक। बाहर में चेंजेस करने में बहुत टाइम जाता है, मालूम है क्या? उतना चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर चीजों को अपने आप में समझ लेने का, और जितना जरूरी है उतना ही काम करना पड़ता है, तो काम भी नहीं है ज्यादा। अच्छा और ये जो डेली रूटीन है, ब्रश करना, ये सब तो शरीर के काम है, ये करने ही पड़ेंगे शरीर को। हमको उसी बात का अफसोस है। अब ऐसे इंसान को कौन सुधारेगा, ये बताओ मेरे को? बराबर अब एक आलसी आदमी सोचता है कि उसको कुछ भी ना करना पड़े, तो ये प्रॉब्लम हो गया, मालूम है क्या? अच्छा तो उसकी 10 साल के बाद बॉडी चली जाएंगी। और आलस क्यों है? यही सुख लेने के लिए आलस पड़ा हुआ है। उसको एक्चुअल एक्चुअल काम करके जो सही सुख मिलता है, वो उसको डेफिनेशन ही पता नहीं है। उसको कभी करके ही नहीं देखा, किसी ने सिखाया ही नहीं उसको। बराबर वो बिल्कुल आराम से रहना चाहता है, और पूरा वजन बढ़ा के मस्त ब्लॉक कर रहा है अपने लाइफ को। यही कर रहा ना आदमी, और क्या कर रहा है? और बराबर जब तक उसको मिल रहा है, तब तक खुश है। जिस दिन नहीं मिलेगा, उस दिन खत्म हो जाती है बात, है कि नहीं? वो क्योंकि मालूम है क्या, वो उसको वो गर्मी सहनी नहीं होंगी। जो गरीब के बच्चे रहते हैं ना, वो कैसे जिंदा रह ले जाते, कहीं भी सरवाइव कर ले जाते हैं, बराबर क्योंकि वो रहते हैं ना, वो सर्व उन्होंने देखा रहता है उतार चढ़ाव सब। अपन जिस इंसान ने उतार उतार देखा ही नहीं है, सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव देखा है, तो उसका गिरना फिक्स है एक दिन। बराबर उसको बैलेंसिंग जमेगा नहीं ना, जिस दिन नहीं अगर मिला तो वो सीधा नीचे घसर जाएगा वो। बराबर इसलिए दोनों भी लाइफ के एस्पेक्ट अपने बच्चों के लिए जरूरी है, और समय पे जितनी जरूरत है ना, अपन अपन क्लियर हो जाने का, और शॉर्टकट में उसको अपने काम से उसको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं समझाने का कुछ भी, वो नहीं सुनेगा। उसको समझेगा ही नहीं पहली बात, क्या बता रहे करके, बराबर है कि नहीं? तो अपने आप को ही करेक्ट कर लेना, यही सेवा है बस। आप सही हो जाओ, यही आपकी सामाजिक कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। नहीं तो बराबर फिर कोरोना फैल ही रहा है। अभी आने वाले 15 दिन में लोग कहाँ रुकने वाले हैं? लोग जाने वाले हैं इधर उधर। बराबर है। ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा अच्छे हो गए ना। अरे अति हो गया नहीं इंडिया के? देखो ना, ये सारे दुख का कारण क्या है? व्यवस्था नहीं है ना रे, वैसे इतना करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं क्या, जो लॉकडाउन करने के लिए जो व्यवस्था की जरूरत है, वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, बराबर जिसके वजह से ये प्रॉब्लम फिर से रास्ते पे आने वाले हैं सब। बराबर यानी तुम नहीं क्या, कब तक किसी को सांत्वना देते रहोगे ऐसी, बराबर है कि नहीं? डायरेक्ट 3 महीना वो बोल नहीं सकते,
नहीं तो लोग अभी से चाह जाएंगे बाहर मालूम सही बात है। तो इसलिए झूठ बोला जाता है सिस्टम में, लेकिन वो झूठ ज्यादा नहीं चलता, 3 महीने के बाद नहीं चलेगा मालूम है क्या। बराबर अरे जरूरत ही जरूरत है ना, देखो आपका जो इंटरेस्ट है ना काम में, वो अगर आपकी नीड है तब वो इंटरेस्ट आता है। आप इंटरेस्ट नहीं ला सकते पढ़ाई में जबरदस्ती, बराबर आपकी जरूरत अगर बन गई ना जिस दिन, तो वो इंग्लिश बोलता आदमी ऑटोमेटिक। बराबर क्यों? तो वो जरूरत बननी चाहिए लाइफ में, तो सही सही जीने की एक जरूरत इंसान को बन जाए ना, तो लाइफ बहुत मजेदार है यार। कोई क्या दुखी करेगा अपने को साला, बराबर अपन ऑलरेडी इतना हैप्पीनेस का टैंक है। जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी से मिलने के लिए, सोचो ऐसा होना चाहिए। तो बराबर दैट्स इट एग्जाम्पल है ना। तो सही ऐसा बात प्रमाण एक इंसान को ही देना है, और क्या पत्थर को देंगे बराबर किसी को, यानी कि दो इंसान भी साला जिंदगी में मस्त। दैट्स इट, बहुत सही लाइफ जी आदमी ने, और ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए धीरे 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 ये चांस दिया गया है परिवार और ये जो दो चार रिलेशनशिप है ना, इसमें ही तो बराबर हम सेट हो जाए, फिर बाद में समाज सेवा सोचेंगे है कि बराबर है, ये तो आते हैं वरना। नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, समाज सेवा बहुत अच्छी करते हैं अपन, और बराबर उस समाज सेवा का 99% हम मेहनत करते हैं अपन, बराबर और रिजल्ट उसमें 1% के वजह से सीधा 0 पे आता है, बराबर और परिवार में भी 0 पे आया रिजल्ट। बराबर और अच्छे से कर लिया जाए ना, बराबर तो ना जीरो ना हीरो, ऐसी बराबर जितनी जरूरत है उतना एकदम जैसे कि सेटिस्फाइड है, ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत है ना ही कोई प्रॉब्लम, जितना जरूरी था उतना खाना खाया, बट दैट्स ऑल बराबर है कि नहीं। कोई पाप थोड़ी ना किया आदमी ने, जितना जरूरी था उतना खाया, तो बॉडी को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है ना, क्या उपवास ही करेंगे आदमी। बराबर तो इस तरीके से हो सकता है, और साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर ही थोड़ा ध्यान देकर रिलीफ, टोटल रिलीफ हो जाएगा उसको। मैं बता रहा ना, वो सारी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएंगी, इनडायरेक्टली उसका काम पूरा हो जाएगा, समझ गए। और वो जो अपने छोटे छोटे जो चीजों में खुशी है ना, वही खुशी बहुत हो जाती है उसके लिए, समझ गए। और जिन चीजों में हम मान रहे कि वो चीजें खुशी थी, ऐसा कुछ है ही नहीं आज के डेट में। अभी कोई लड़कियां समझ लो 20 साल के बाद शादी की कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेंगी, अगर ये महामारी फैली गई या 29 तारीख को पत्थर आके टकराया, तो उसके बाद कहाँ क्या होने वाला है, अगले दिन का भरोसा नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो कौन से सपने सजा के क्या जी रहे हो, है कि नहीं। बराबर तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब होता था ना पहले यार। आज देखो आदमी ने नहीं किया, जिसके कनेक्शन कम है ना, जिसके समाज जैसे लोगों से जो जिस समाज में जैसा रहता है वैसे टाइप के कनेक्शन कम है ना, जिसके वजह से प्रॉब्लम है बहुत सारी, बराबर तो वो कनेक्शन बनाना ये तो जिम्मेदारी है ना अपनी। तो सही लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, वो आपका नया समाज है। बराबर ऐसा लोगों ने ये कर लिया है, अभी क्या बराबर करेंगे, उनकी भी मजबूरी है, कहाँ दाऊद से लड़े अब बताओ मुझे। तो अपना लेवल बढ़ा लेने का, 8G का अपना मोबाइल बना लेने का, ऑटोमेटिक चाइना में चले जाने का जहाँ पे मोबाइल चलता है वहां से कनेक्ट। तो ठीक है आशीष, खाना वगैरह खा लो, हाँ और ठीक है ना, चलो थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू वेरी मच, इतना सुना आपने नहीं थैंक यू लॉट, मतलब मेरे को तो कभी खत्म होते ही नहीं मेरे क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं उसकी, यानी कि क्वेश्चन से मुक्ति यही मेरा टारगेट है आपके क्वेश्चन ही खत्म हो जाए, आंसर कितने क्वेश्चन के आंसर देंगे वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, एक फाइनल चीज समझ जाओ, बस कॉपरेट करते रहना है, अपना सदुपयोग करना है, जो चीजें है आपके पास उसको आपको सही तरीके से, बस इतना ही काम है पूरे ओवरऑल, बराबर और इसके अलावा काम होगा तो करते रहना फिर बराबर आपकी आपकी खुशी फिर है ना।
इतनी बड़ी खुशी छोड़ के और खुशी मना रहे हो कहीं पे, तो मैं अब क्या बोलूँ आपको बराबर है ना। तो जो चीजें है बस उसको सही तरीके से किया जाए, दैट्स ऑल। चलो फिर गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, प्रणाम।